गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी सपना मैडम बोल रही हूँ। बच्चों, पहले के ज़माने में जब दो लोग दूर रहते थे, कोई बॉम्बे रहता था, कोई गांव में, तो अपनी बात कहने के लिए सब लोग बच्चों पत्र लिखते थे, क्योंकि पहले ये फ़ोन नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। तो उस समय जब कोई बात रहती थी तो सब लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, पत्र को पोस्ट ऑफिस में छोड़ते थे। आप जहाँ पढ़ते हैं उसके बगल में, मैंने बताया, बाज़ार में पोस्ट ऑफिस है, तो पत्र को वहाँ पर छोड़ देते थे चिपका कर लिफाफा लिख कर। उसके बाद वो वहाँ दूसरे पोस्ट ऑफिस जहाँ वो रहते थे वहाँ पहुँचता था, फिर वहाँ का पोस्टमैन उनके घर जाकर वो पत्र पहुँचाता था। इस माध्यम से वे एक दूसरे तक अपनी सूचना का आदान प्रदान करते थे। अब बच्चों, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, अब तो उसके बाद फ़ोन हुआ, उसके बाद मोबाइल, मोबाइल तो चलते हुए कहीं भी जाए हम बात कर सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो बच्चों, एक लड़का सोनू, आप चित्र में देखिए, एक लड़का सोनू है, वो अपना चश्मा बॉम्बे में अपने भाई के यहाँ गया था घूमने, वहीं भूल आया है, और वो अपने चश्मे को अपने दोस्त जैसा मानता था, तो इसलिए वो पत्र लिख रहा है। अब किसको लिख रहा है बच्चों? अपने चश्मे को। अब मैं वो पत्र पढ़कर बच्चों आप लोग को सुनाऊंगी, आप लोग भी देखिए पत्र कैसे लिखा जाता है। इसमें उसने अपने प्रिय मित्र चश्मे को पत्र लिखा है। तो बच्चों, अब मैं वो पत्र पढ़ने जा रही हूँ जो सोनू ने अपने प्रिय मित्र चश्मे को लिखा है। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे मित्र, जब से तुम्हें मैंने मुंबई अपने भाई के घर गलती से छोड़ दिया, तब से तुम्हारी हर दिन कमी महसूस होती है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ, टीवी देखता हूँ या काम करता हूँ, तो मुझे तुम बहुत याद आते हो। मुझे अपनी गलती पर बहुत दुख होता है कि तुम मुंबई में मेरे भाई के यहाँ छूट गए हो। तुम्हारी कमी को पूरा करने के लिए मैं दूसरा चश्मा लगा रहा हूँ, बाकी काम भी मैं उसे ही लगा कर करता हूँ, लेकिन जो आराम और सुकून मुझे तुम्हें लगा कर मिलता था, वह किसी और से नहीं मिल पा रहा है। अब मेरी आँखों में भी दर्द होने लगा है। तुम मुझे कब तक मिल जाओगे? बस यही इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई ने कहा है दिवाली तक वह तुम्हें मेरे पास पहुँचा देंगे। अब मैं दिवाली का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि तुम जल्द ही मेरे पास आ सको। तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा मित्र तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारा प्रिय मित्र सोनू। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।